नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल M24 ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं देवबाली सिंह निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भटनी में, जहां पे आज टाटा मोटर्स की प्लेसमेंट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं प्लेसमेंट के लिए, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कोई बिहार से आया हुआ है, कोई देवरिया से आया हो, अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट होने वाला है और इस निजी संस्थान में हर 3 महीने पे प्लेसमेंट होता रहता है। जो भी ITI पास बच्चे हों यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे कि आज यहाँ पे टाटा मोटर्स गुजरात के लिए प्लेसमेंट होना था, अभी थोड़ी देर में होगा। बच्चे आए हुए हैं बहुत सारे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, श्री देववल्ली सिंह प्राइवेट ITI भटनी, जो भटनी स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, बाईपास रोड पे स्थित है ये। आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। ये हैं इस संस्था के प्रिंसिपल, जो कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहा है यहाँ पे, जिनका इंटरव्यू होना है उसका प्रोसेस चल रहा है। अगर किसी भी भाई को या किसी भी बच्चे को प्लेसमेंट करवाना हो, वो आके इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे इंटरव्यू होगा और किस किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं श्री देवबली सिंह प्राइवेट ITI, ये 100% रोज़गार की गारंटी देते हैं। इनके पास ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन और फिटर की, और बहुत सारी विशेषताएं हैं इनके कैंपस की। अच्छी व्यवस्था है, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ और नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। आप इन मोबाइल नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप कभी भी फ़ोन करिए, ये हमेशा आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और प्लेसमेंट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि कुछ बच्चों का फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं टाटा मोटर्स गुजरात, यहाँ इसी कंपनी के लिए प्लेसमेंट हो रहा है। क्लासेस होंगे 8 घंटे, संडे छुट्टी रहेगा। ईयरली आपको लीव 18 मिलेंगे, एक साल में 18 छुट्टी आपको मिलेंगे। आपको एग्जाम वगैरह होता है तो आप आवेदन देते हैं तो आपको छुट्टी मिल सकता है। एज ए आप ट्रेनिंग के लिए कंपनी आ रहे हैं, ठीक है। आपको 3 साल कोर्स कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट आपको बंगलौर की एक इंस्टीट्यूट है NTTF के माध्यम से आपको डिप्लोमा का, मेट्रोनिक्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ठीक है, तो आपको कंपनी का भी ऑफर आता है, ठीक है। जो डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा वो ऑल इंडिया ऑल कंपनी में वैलिड रहेगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एक्सपीरियंस का सबसे बड़ी डिमांड होता है, फ्रेशर का कुछ नहीं है,
तो आप लोग 3 साल कंपनी के अंदर रहेंगे तो सारे जो काम होते हैं ना सभी काम आप लोग जान जाएंगे। उसके बाद आप लोग को अच्छी से अच्छी खासी सैलरी पे आप प्लेसमेंट हो सकते हैं, उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को वहाँ कंपनी की तरफ से ऐसे रूम तो नहीं है, वहाँ डोरमेटिक है, वहाँ जो स्टाफ है वहाँ आप लोग को रहने के लिए अरेंज किया जाता है। उसका आपको 1200 से 1500 रुपये पर कैंडिडेट लगता है, वहाँ एडवांस वो देना होता है। आप जब कंपनी पहुँचते हैं ना तो आप लोग को वो देना होता है रहने के लिए 1 माह के लिए, ठीक है। उसके बाद से आप रेगुलर हो जाएंगे तो आप चाहे तो उस डोरमेटिंग में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि 3 4 लोग हैं हम लोग अलग रह सकते हैं, तो जो कंपनी के बस आती है आप लोग देख लेंगे कि इस लोकेशन पे आ रही है, वहां आप लोग रूम लेके रह सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, जॉब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं? ऐसे कितने हैं जो 23 साल से ज्यादा है? आप कितना ज्यादा हो रहा है आपका? 29 साल, ठीक है। फिर भी हम डिटेल्स जो बता दे रहे हैं वो बैठिए आपको हम बताएंगे। ट्रेनिंग, ठीक है, 3 साल बाद आफ्टर आप लोग का जैसे परफॉर्मेंस रहता है तो उसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ऑल कंपनी में वैलिड है, ठीक है। आप सभी ने ये फॉर्म भर दिया है, एक एक करके हम इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग के डेट हम बता देंगे, ठीक है। आप लोग मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि 1 तारीख को ज्वाइनिंग होगा, सभी लोग को 1 तारीख को रिपोर्ट करना होगा कंपनी, 1 अप्रैल को। होली 25 को है ना, आप लोग आज के बाद डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल चाहिए हमें, मैट्रिक इंटर का जो ITI ITI का और फोटो कॉपी, ठीक है। उसके बाद से आप सभी लोग जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो कैरेक्टर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करा के उसका रिसीविंग भी साथ में लेके आएंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? वर्किंग आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स 4 व्हीलर बनाती है, तो उसमें असेंबल लाइन है, क्वालिटी है, अन्य डिपार्टमेंट है। आप वहां पहुंचते हैं उसके बाद से आपको डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है, ठीक है। आपको 5 दिन वर्क करना होगा, 1 दिन आपका डिप्लोमा का क्लासेस चलेंगे। 1 घंटे में 1 मिनट में एक गाड़ी बनती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी इस समय जो है ना, आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो आगे भी कंपनी आपको ऑफर देती है, अदर जगह भी जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, वहां भी आपको अच्छी खासी मिलता है। प्लस वैलिड किसका है? एक्सपीरियंस का। अभी आप लोग के पास तो एक्सपीरियंस है नहीं एज ए फ्रेशर। खाना वर्किंग टाइम आपको मिलेगा, उसका आपको 50 रुपया मंथ में डिडक्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट जो बस से आएंगे जाएंगे उसका 200 रुपया डिडक्ट होगा, यानी 250 रुपया आपका डिडक्ट होगा, बाकी सब आपको मिल जाएगा, 12,600 आपको अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। 3 माह कंप्लीट कर लेते हैं तो 7,500 हर 3 माह पे आपको अलग से स्टाइपेंड्स मिलेंगे, ठीक है। रूम क्या OT नहीं है आपको, एज ए ट्रेनिंग ट्रेनर है आप, ठीक है। 3 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो 7,500 क्या 8 घंटे ही होगा आपको। मान लीजिए डिप्लोमा कर रहे हैं तो कुछ जानकारी होना चाहिए ना। बोलिए, 12,850 में से आपको 250 रुपया डिडक्ट होगा। मान लीजिए 50 रुपया में क्या, एक टाइम का नाश्ता भी नहीं मिलता है बढ़िया से, आपको 1 मंथ खाना मिलेगा, उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे हर 3 माह पे, ठीक है। हाँ, इसे आप बोनस मानो या अटेंडेंस अवार्ड मानो, जो भी मानो, आपको मिलेगा 7,500 3 माह बाद। छुट्टी आपको संडे रहेगा, प्लस एनी एग्जाम आपका होता है तो आप आवेदन देते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। 1 साल में छुट्टी आपको 18 मिलेंगे, 1 साल में, 1 साल लगता रहते हैं तो आपका 18 छुट्टी है, ठीक है। अगर आपका पेपर पड़ता है, ग्रेजुएशन हो यानी जो भी है,
तो आप आवेदन देके आ सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं पेपर देने आएंगे, आवेदन देकर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो टाइम दिया जाएगा जो डेट देते हैं वो आते हैं, तो आपको कोई सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। और किसी को डाउट जो आप मतलब मान लीजिए साल में कितने पेपर हो सकता है, एक दो, वो सरकारी एग्जाम का पड़ेगा तो आप एप्लीकेशन देके आ सकते हैं, एक दिन ना होगा उसके बाद तो रिटर्न चौंप जाएंगे, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइनिंग सभी का होगा, जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग है, ठीक है। पीएफ इसमें नहीं कटक जा रहे हैं, फ्रेशर का बहुत बड़ा दिक्कत है, आप लोग 3 साल रह जाओगे तो कंपनी के हर चीज जान जाओगे, क्या सिस्टम है क्या नहीं है किस तरह बनता है, तो आप लोग को अगर उसमें नहीं होता है तो कहीं और भी अप्लाई करते हैं ना, तो कहीं भी आपका डिमांड ज्यादा रहेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगा। अभी आपको सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड कंपनी देती है, ठीक है, जो एनटीटीएफ कराती है डिप्लोमा का वही आपको ये होगा। संडे 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 छुट्टी रहता है, हाँ महीने में 4 दिन आपको छुट्टी रहेगा, उसके अलावा 1 साल में आते हैं आप छुट्टी लेके तो 18 छुट्टी कंपनी की तरफ से है। हाँ संडे के अलावा 1 दिन चल सकता है, लेकिन वो भी आवेदन आपको देना होगा ना, आखिर इतने दूर से आप आएंगे, कंपनी तो एनी रीजन से कुछ तो छुट्टी करना होगा आपको। अभी इस समय पे कंपनी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, 7 लाख का इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद से इंटरव्यू चालू होगा, अभी कुछ ही मिनटों में इंट्रोडक्शन खत्म होगा, उसके बाद से इंटरव्यू चालू होगा, एक एक बच्चे इंटरव्यू के लिए आएंगे, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और किसी भी फाइलों को अगर प्लेसमेंट करवाना हो तो आप यहां आके संपर्क कर सकते हैं। अभी फिलहाल इंटरव्यू चालू हो गया है, एक एक करके बच्चे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन होगा उनको ज्वाइनिंग 1 तारीख को करना है, उसका प्रोसेस आगे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरव्यू का प्रोसेस। कोई डाउट? 1 तारीख को ज्वाइनिंग रहेगा, पता रहा कि कहाँ सब हम बना देंगे, जो भी बनाए ठीक है, आपको अभी दे दिया जाएगा, एक लिंक देंगे हम, उसके ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्या नाम है? क्या
काफी नए बच्चे आए हैं और भरे हैं ले ले। जो हमने बताया है क्या होता है उसके पुलिस में जानते हो कैरे सर जी सर उसको साइबर कैफे से ऑनलाइन करा लेना उसके बाद से प्रिंट आउट कर आईटीआई का आईटी ओरिजिनल एक तारीख को अभिषेक विश्वकर्मा टाटा मोटर का इंटरव्यू बताया गया 12-12 हज़ार सैलरी रहेगी फिर 3 महीने के बाद हम लोग को क्या बोलते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है। हाँ सिलेक्शन आप किस विद्यालय से आगे हम वहाँ पे छोड़ दिया आईटीआई का लेते हैं आपको जो पैकेज मिला है टाटा मोटर की तरफ से जो आज अपॉइंट हुआ है इंटरव्यू में उससे आप खुश हैं? हाँ संतुष्ट। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार यादव देवरिया जिला के देवबली से प्राइवेट आईटीआई कॉलेज भटनी में यहाँ पे एक ही चीज का इंटरव्यू जी टाटा मोटर्स कंपनी आई है उसी चीज का इंटरव्यू इंटरव्यू दिया सिलेक्शन हो गया क्या
यहाँ पर कंपनी सर अच्छी है और सैलरी सर 12,800। आप किस कॉलेज से आए? यूपीसी कॉलेज से हैं सर। हाँ सर, जो चीज़ आपको बताया गया जो भी के लिए चीज़ का संतुष्ट क्या कहना चाहेंगे जो आपको तरीके मैसेज यही सर कि सर वो क्षेत्र में आए आई टी आई और यहाँ पर देवबल्ली सिंह आई टी आई प्राइवेट आई टी आई कराए और यहाँ पर कैंपस सेलेक्शन का अच्छा स्कोप है और यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं सर। प्लेसमेंट बराबर सर यहाँ पर बराबर आती है। सुमित कुमार यादव द्वापर प्राइवेट आई टी यहाँ पे चल रहा था कैंपस सेलेक्शन टाटा मोटर्स। अपनी क्या बताया गया कंपनी के बारे में सर बताया गया बहुत बढ़िया कंपनी है इसमें जाना चाहिए। ये जो उद्योगपति यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि हर सर ऐसा होता है क्या नाम है आपका? सर रोशन रामपुर सर जिला शिवान बिहार। अच्छा आप बिहार से आए हैं? यस। तो ये कौन सी जगह है ये पता है कौन सा कॉलेज है? देवबल्ली सिंह प्राइवेट निजी आईटीआई कॉलेज है। क्या चल रहा था सर यहाँ कैंपस सिलेक्शन चल रहा था? किस कंपनी का? सर टाटा मोटर्स का। यस सर। क्या हुआ? सर हम पास सिलेक्शन हो गया। मैं सिलेक्शन में क्या बताया गया क्या सैलरी रहेगी कहाँ काम? सर सैलरी उसमें 12,850 रुपये सैलरी रहेगी। उसमें सर 200 रुपये हमको ट्रैवल का देना पड़ेगा और 50 रुपये कैंटीन का। जो सिलेक्शन हुआ है जो पैकेज बताया गया आपने उसका? यस सर। अच्छा ये बताइए आप सिवान बिहार से चल के यहाँ आए पटनी देवबल्ली सिंह आईटीआई की आपने कहीं से? आप एक युवा हैं, युवा को देखा जाता है रोजगार के लिए काफ़ी परेशान है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग अपने तरीके की? सर अपने तरीके युवाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि सर वो यहाँ पे आके जैसे हमेशा यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन आता रहता है यहाँ पे देवबल्ली सिंह प्राइवेट निजी आईटी कॉलेज पे हमेशा आता रहता है। हमेशा होता है? हाँ हमेशा यहाँ हमेशा प्लेसमेंट में युवा सिलेक्शन होते हैं। हाँ रोजगार कहीं ना कहीं मिलता है। यस सर थैंक यू। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रामनाथ कुमार हुआ। सर आज यहाँ पे जो आईटीआई पटनी बाईपास रोड पे यहाँ पे आप आए हैं किस कंपनी का है और क्या पैकेज? देखिए हमारी जो कंपनी है कैरियर ट्री है जो टाटा मोटर्स का रिक्रूटिंग का काम करती है। ठीक है यहाँ जो भी युवा आया हमारे देखने में जो अच्छा लगा उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। जो भी हमने सैलरी बताया कंपनी की तरफ से है 8 घंटा वर्किंग करना होगा, 5 डे वर्क होगा, उसके बाद से 1 दिन क्लास होगा डिप्लोमा का, तो क्लास होगा संडे छुट्टी रहेगा। स्टाइपेंड जो है 12,850 रुपये, ट्रांसपोर्ट का उसमें से 200 रुपये डिडक्ट होंगे और कैंटीन का 50 रुपये डिडक्ट होंगे, यानी 12,600 रुपये पर कैंडिडेट को अकाउंट में आ जाएंगे। 3 मंथ स्टूडेंट जो रह जाते हैं उनको 7,500 स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। कहाँ पर ये बच्चे जा काम करेंगे? ये बच्चे गुजरात में करेंगे, सानंद लोकेशन पे कंपनी है, वहीं टाटा मोटर्स में वर्क करेंगे। समथिंग 40 आए कैंडिडेट, उसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ। आप गुजरात से आए हैं और अभी देवरिया जिले में हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं के लिए बेरोजगार हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के और देश के सभी बेरोजगार युवाओं से यही करेंगे कि यहाँ हमने आया बहुत अच्छा रहा लड़कों को देख के, समथिंग 40 लड़के आए थे उसमें से 23 लड़के सेलेक्ट कर लिए और यहाँ आए हुए या जो भी कंपनी वाले आते हैं जैसे हम तो आए अब बार बार ही आएंगे, जब यहाँ हमें मौका मिलेगा हम आएंगे और युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि जहाँ भी आपका प्लेसमेंट हो रहा है आप उसमें शामिल हो जाए और सिलेक्शन हो जाता है आपको तो आप उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि इस समय बेरोजगारी का जो मंजस है ना ये देखने से पता चलता है। आप युवा हैं अगर एक्सपीरियंस कंपनी का ले लेते हैं तो आपको बहुत सारा ऑफर मिलना चालू हो जाते हैं, तो ऐसे फ्रेशर के लिए ज़्यादा दिक्कत है, तो आप
कंपनी में 3 साल रह जाते हैं या वर्क करने का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आगे भी आपको कंपनी सोचती है और रखती है। धन्यवाद। सर ये आज जो गली कहाँ की कंपनी की और कितने बच्चे आए? देखिए सर, मैं इस कॉलेज का प्रबंधक हूँ विनय कुमार सिंह और ये कंपनी टाटा मोटर सानंद गुजरात की थी जिस और ये आए हैं कंपनी से जिनका नाम रामनाथ जी है और लगभग 45 बच्चे आए थे जिसमें 22-24 बच्चों का जो है सिलेक्शन किया गया है और ये देवबली सिंह प्राइवेट आईटीआई है। यहाँ अक्सर जो है 2-3 महीने पे हर कंपनियाँ आती जाती रहती हैं, प्लेसमेंट होता रहता है, बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं और हम लोग का प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक प्लेसमेंट कराया जाए, बच्चों को जॉब दिलाया जाए जिससे हमारे आईटीआई का भी मान सम्मान बढ़ता है, हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है कि हम 10 लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। तो आज प्लेसमेंट हुआ उसका कुछ चार्ज वगैरह बच्चों के? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के युवाओं? क्षेत्र के युवाओं कहेंगे कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ध्यान दीजिए तकनीकी शिक्षा पे ध्यान दीजिए और अपना कहीं ना कहीं रोजगार जॉब का प्रयास करके आप लोग रोजगार करिए, कमाइए, बेरोजगार न रहिए, देश को आगे बढ़ाइए। जो बच्चे आज आए थे जिनका सिलेक्शन हुआ आज के प्लेसमेंट में, तो क्या वो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं कि नहीं? इसमें आईटीआई बच्चे हैं, एपेयरिंग के बच्चे हैं और कुछ फ्रेश बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर पे। ये प्रधानाचार्य सर, आप आईटीआई प्रधानाचार्य काफी बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सर कैसा लग रहा है आपके सेंटर में बच्चे सिलेक्शन हो गए, रोजगार मिलता है बच्चों को, कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ के सारे बच्चों को जो है मैंने प्लेसमेंट कराता हूँ, हर 3 महीने पर प्लेसमेंट कराता हूँ और शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जॉब के बारे में भी जो है इसीलिए मैं कैंपस कराता हूं कि मैं अपने पढ़ाए हुए बच्चों को और आए हुए बाहरी बच्चों को भी जॉब दे सकें, रोजगार दे सकें, मेरे विचार में यही आता है और मैं यही सोचकर अपने बच्चों को सेलेक्ट करता हूं। सर अभी तक आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कितने सेलेक्शन होंगे? अभी तक ले अभी हमने 7-8 कैंपस करा चुका, हर 3 महीने पर मैं कैंपस कराता हूँ। पिछले माह में जो है नवंबर में कराया था मारुति सुजुकी का, उसमें भी जो है 70-78 बच्चे हमारे गए थे जॉब पाए हुए हैं और आज की तारीख में यहाँ पे 45-50 बच्चे आए हुए थे जिसमें 25-26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इन युवाओं को अच्छे से अच्छे रोजगार मिल सके। मुझे जहाँ तक संभव होगा मैं इनके बच्चों के लिए करने के लिए तैयार। सर आप एक शिक्षक हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ टेक्निकल हेल्प करना चाहते हैं तो उनको कौन सी फील्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगी उन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए प्राइवेट वगैरह में ये टाटा मोटर वगैरह मारुति सुजुकी में वो जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड से वो जाएँ तो उनके लिए बेहतर।